हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 5 साउथ इंडियन हाईएस्ट रेटेड मूवीज। तो गाइस, इस लिस्ट की हर एक मूवी टॉप एंड बेस्ट होने वाली है, तो किसी भी मूवी को मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना। तो फिर चलिए आज के हमारे इस बेहतरीन काउंटडाउन को शुरू करते हैं। तो हमारी काउंटडाउन की नंबर 5 पे आती है साल 2023 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म कस्टडी। ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसको हिंदी में भी सेम नाम से डब किया गया है। तो मूवी की कहानी शुरू होती है कांस्टेबल से, जिसे एक विटनेस को बचाने का काम दिया जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पूरी पुलिस फोर्स उस विटनेस को मारना चाहती है। तो आखिरकार क्यों सारी पुलिस फोर्स उस विटनेस को मारना चाहती है, और क्या वो कांस्टेबल उस विटनेस को बचा पाएगा या नहीं, ये आप इस फिल्म में देखिए। तो इस मूवी को रेटिंग्स मिली है 5.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और ये फिल्म हाल ही में हिंदी में डब होकर YouTube पर अवेलेबल हुई है। तो इस फिल्म को आप YouTube पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। तो हमारी काउंटडाउन की नंबर 4 पे आती है साल 2023 में रिलीज हुई मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म चावीर। ये एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसको हिंदी में भी सेम नाम से डब किया गया है। तो मूवी की कहानी चार दोस्तों से शुरू होती है जिन्होंने एक आदमी का मर्डर कर दिया है, और अब पुलिस इनकी खोज में है। तो आखिरकार इन लोगों ने किसका मर्डर किया है, और क्या पुलिस इनको पकड़ पाएगी या नहीं, और आगे ये लोग क्या करने वाले हैं, ये आप इस फिल्म में देखिए। तो इस मूवी को रेटिंग्स मिली है 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और इस मूवी को आप सोनी लिव पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। तो हमारी काउंटडाउन की नंबर 3 पे आती है साल 2019 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म जलीकट्टू। ये एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसको हिंदी में भी सेम नाम से डब किया गया है। तो मूवी की कहानी शुरू होती है एक भैंस से, जो कि एक कसाई खाने से भाग जाती है और पूरे गांव में क्योस का माहौल क्रिएट कर देता है, और सभी गांव वाले उसे दबोचने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें डायरेक्टर ने र्यूड ह्यूमन नेचर को दिखाने की कोशिश की है। ओवरऑल तो मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, पर इसका जो क्लाइमेक्स है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। इस मूवी को रेटिंग्स में लिए 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और इस मूवी को आप YouTube पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। तो हमारी काउंटडाउन की नंबर 2 पे आती है साल 2021 में रिलीज हुई मिस्ट्री ड्रामा फिल्म थिटम इरंडू। ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसको हिंदी में भी सेम नाम से डब किया गया है। तो मूवी में एक लड़की गायब हो जाती है, जिसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, पर पुलिस को उस लड़की की जगह उसकी जली हुई बॉडी मिलती है, जिसे मारने के बाद एक कार के अंदर जला दिया था। तो उस लड़की का खून किसने और क्यों किया, और खूनी का क्या मोटिव था, और क्या पुलिस उसको ढूंढ पाएगी या नहीं, ये आप इस फिल्म में देखिए। ओवरऑल ये एक अच्छी मूवी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। इस मूवी को रेटिंग्स मिली है 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और इस मूवी को आप सोनी लिव पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। तो हमारे काउंटडाउन की नंबर 1 पे आती है साल 2023 में रिलीज हुई मर्डर इन्वेस्टिगेशन फिल्म नीना। ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसको हिंदी में मीनाक्षी नाम से डब किया गया है। तो ये फिल्म हमें प्रेजेंट और पास्ट की दो स्टोरीज को एक साथ दिखाती है, जहां प्रेजेंट में दिव्या एक आर्कियोलॉजिस्ट है, और नालगोंडा पुलिस डिपार्टमेंट नालगोंडा के हुए जंगलों में एक हत्या के मामले को आगे बढ़ाने के लिए दिव्या की मदद लेते हैं। और जांच के दौरान दिव्या को 120 साल पुरानी महिला का एक कंकाल मिलता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फोरेंसिक रिपोर्ट में सामने आता है कि उस कंकाल के सभी फीचर्स दिव्या के साथ हूबहू मैच हो रहे हैं। तो आखिरकार 120 साल पुराने कंकाल के साथ दिव्या का क्या कनेक्शन है, ये आप इस फिल्म में देखिए। इस मूवी को रेटिंग्स मिली है 5 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और इस मूवी को आप प्राइम वीडियोस पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की टॉप 5 हाईएस्ट रेटेड साउथ इंडियन मूवीज की लिस्ट। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नेवर स्टॉप ड्रीमिंग।